पहाड़ के भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई पर एक कैशियर डाका डाल गया। टिहरी के जाखड़ीधार ब्लॉक में ऐसा घोटाला जो पहले न देखा न सुना। यूनियन बैंक की मदन नेगी शाखा में 2 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए। स्कैम 1992 के हर्षद मेहता के नक्शे कदम पर चलने वाला ये कैशियर कौन है? एक कैशियर की ऐसी हिम्मत कि लोगों की एफडी उड़ा ले गया, खाते से पैसा टकार गया। किसी की मजदूरी की कमाई, किसी की मनरेगा की कमाई, कोई बताएगा कि इन लोगों को इनकी रकम वापस मिलेगी या नहीं? पहाड़ों का जीवन बड़ा कठिन होता है। मेहनत और मजदूरी करके पहाड़ के बाशिंदे एक एक पाई जुटाते हैं। सेविंग्स के लिए कोई अपना रुपया खाते में जमा करवाता है, कोई एफडी करवाता है। आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी एफडी पर लोन लिया गया है, लेकिन वो लोन आपने लिया ही नहीं। आपके अकाउंट से आपकी मेहनत की कमाई गायब हो गई हो, लेकिन वो रकम आपने निकाली ही नहीं। ऐसा ही हुआ है टिहरी जिले के जाखड़ीधार ब्लॉक में। यूनियन बैंक की मदन नेगी ब्रांच में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गबन हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। जब एक पहाड़ी क्षेत्र के बैंक में 2 करोड़ की रकम की गड़बड़ी की बात सामने आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग हैरान रह गए, परेशान रह गए। दरअसल लोगों की ये रकम बैंक का एक कैशियर उड़ा ले गया। वही कैशियर जो कभी इस बैंक के ग्राहकों को रुपया देता होगा, लेकिन रुपया देते देते कैशियर की काली नजर उन्हीं रुपयों पर रह गई होगी। आरोप है कि सोमेश डोभाल नाम के कैशियर ने ग्राहकों के एफडी और खातों से रकम निकाल कर गबन कर दिया। जैसे ही ये मामला सामने आया, बैंक में अपने अपने पैसों के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। किसी की लाखों की एफडी तो किसी के खातों से हजारों रुपए गायब हो गए। लोग परेशान हैं और बेहाल हैं। अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार आपने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन कैशियर तो खा गया। लोगों का कहना है कि कई की एफडी से धनराशि गायब है और कई ग्रामीणों की एफडी पर कैशियर सोमेश डोभाल ने लोन ले रखा है। सांदर गांव के दौलत कहते हैं कि उनके पिता के नाम पर 18 लाख रुपए की एफडी थी। इस एफडी पर कैशियर ने खुद 12 लाख का लोन ले लिया। एक ग्रामीण ने बताया कि उनकी 3 लाख की एफडी में रुपए ही नहीं है और न कागजात दिए गए। किसी की 16 लाख की एफडी, किसी की 10 लाख की, किसी की 8 लाख की एफडी से रुपए गायब हैं। करीब 50 लोगों की एफडी से रकम गायब है। पहले दिन जांच में 1 करोड़ 20 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया। फिर जांच आगे बढ़ी, अब ये रकम 2 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। 32,000 रुपए ले गए खाते से और जब एफडी वहां के रखी, एफडी का भी पता ही नहीं, आप ग्राम भरी नहीं आई। आपकी एफडी कितने की थी? किसी की हमारा तो 50-60 हज़ार की, और इसकी 2 है 60 हज़ार रुपए। लाखों किसी की 30 लाख रुपए हमारे गांव में है। यहां पर तो मेरी एफडियां थी यहां पे एक 18 लाख रुपए की और एक 3 लाख रुपए की। तो मेरे भूमचंद रावत जी के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से 18 लाख रुपए और मेरे दादाजी के नाम 3 लाख रुपए। जब मैं एफडियां देखता हूँ, मैंने चेक करवाई कल, तो एफडीओ में 18 लाख पे उन पर 12 लाख रुपए का लोन ले रखा है, जो कि हमारे द्वारा नहीं लिया गया। दूसरी चीज़, जो दादाजी की एफडी थी पदम सिंह रावत जी की, वो एफडी कागज़ तो दादाजी को पकड़ा दिए हैं और अंदर एफडी नहीं थी। यूनियन बैंक के रीजनल ऑफिस के मुख्य प्रबंधक संजय उपाध्याय भी शुक्रवार को मदन नेगी पहुंचे। बैंक मैनेजर राहुल शर्मा और कैशियर सोमेश डोभाल को निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले में एसआईटी भी बनाई गई है, जो कि इस मामले की जांच कर रही है। इस बैंक के खाता धारक ये भी बताते हैं कि बैंक में पासबुक की एंट्री भी नहीं की जाती थी। जब एंट्री करवाने जाओ तो कहा जाता था कि मशीन खराब है। ऐसी गड़बड़ी का शिकार आप भी हो सकते हैं। यहां के लोग तो अपनी रकम वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। कब तक उन्हें रकम वापस मिलती है, इसका कोई पता नहीं। लेकिन आप भी सावधान रहिए, ऐसे फ्रॉड आपके आसपास भी हो सकते हैं। अपने खाते की जांच वक्त वक्त पर करते रहिए। संवाद 365 के लिए टिहरी से बलवंत रावत के साथ विकेश शाह की रिपोर्ट।